हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पर सेकेंड। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप घबराना मत। यहाँ आपको टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन। टाइम कितना दे रखा, वन सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा। ओके, फर्स्ट अ पॉइंट इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर। ठीक है, ओके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स ना यानी एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, देखो व्हाट इज गिवन, देखो टाइम गिवन क्या है, टाइम है, हाउ मच टाइम कितना दे रखा है, वन सेकेंड। ओके, नाउ करंट, करंट इक्वल टू हाउ मच, मीन्स आई इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। ओके, नाउ अब देखो आप इसमें करना क्या है। जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एन ई। ओके, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब इसमें आप कैसे करोगे, देखो यहाँ से क्यू इक्वल टू एन ई आ गया, और आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा होगा क्यू इक्वल टू आई टी। ओके, अब इसको एंड इसको, ठीक है, देखो Q इक्वल टू आई टी एंड Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई एंड Q इक्वल टू आई टी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, देखो आप फर्स्ट एंड सेकेंड से Q की जगह आई टी रख दो। ठीक है, तो देखो आई टी इक्वल टू एन ई देख सकते हैं। ओके ना, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकाल लो। तो देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी i इंटू टी अपॉन ई। ओके, सिंपल ना। नाउ अब देखो आई इंटू टी अपॉन ई, अब देखो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5। तो आई विल पुट हियर 5। ओके, इंटू हाउ मच इज टी, टी इज 1, तो आई विल पुट हियर 1। नाउ व्हाट अबाउट द दिस वन, डेट इज 1 पॉइंट, ई की वैल्यू कितनी, 1.6। ओके, इंटू 10^-19। ठीक है, अब आप इसको एन के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे, देखो इसका वैल्यू जो आता है ना 5, और इसका वैल्यू आता है इंटू 6.25 इंटू 10^18। ओके, नाउ अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 5 5 = 25। ओके, एंड 5 2 = 10 एंड 2 12 = 2 = 1 एंड 6 5 = 30 एंड 31 0.1212 इंटू हाउ मच 10^18 है। ओके, अब देखो अब आप इसको एक चीज़ और कर लो, क्या इसमें आप एक पॉइंट इसमें कम कर दो, क्यों, क्योंकि देखो आप इसको लिखो 3 पॉइंट। ठीक है, 3.125 इंटू 10^10। जब आप इसमें ऊपर नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन 10 अपॉन 10, ठीक है, तो इसमें एक पावर बढ़ जाएगा, तो 10 एंड 1 19। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका इतना, n इक्वल टू इतना, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, दिस इज योर आंसर। थैंक यू क्लास।